नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वैसे तो कर्नाटक में जब से कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन से सरकार बनी है तब से ही सीएम कुमार स्वामी को सरकार गिरने का भय सता रहा है, लेकिन एक बार फिर से कर्नाटक की सियासत में हलचल तेज हो गई है और साथ ही कर्नाटक में गठबंधन सरकार को ऑपरेशन लोटस का डर भी सताने लगा है। दरअसल मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने मंगलवार को बीजेपी पर उनकी पार्टी के एक विधायक को घूस देने की कोशिश का आरोप लगाया। रामनगर में एक गांव में जनसभा के दौरान कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार गिराने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है और कौन इसके पीछे है वो उसे जानते हैं। अपने दावे के समर्थन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो रामनगर से बिदादी जा रहे थे तो सोमवार रात 11 बजे के करीब उनके एक विधायक ने उनसे बात की। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विधायक ने कहा कि आधे घंटे पहले बीजेपी के एक नेता ने उन्हें फोन किया। नेता ने कहा कि कल शाम तक सरकार गिरने वाली है। कुमार स्वामी ने आरोप लगाया कि उस नेता ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के 9 विधायक पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। नेता ने कहा कि यदि वो सहमत होते हैं तो उनके ठिकाने पर 10 करोड़ रुपए पहुंचा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लगातार जारी है और सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने धन तैयार कर रखा है, मगर कुमार स्वामी ने न तो उस विधायक का नाम न ही बीजेपी के उस नेता का नाम बताया जिसने उनसे संपर्क किया था। तो बीजेपी प्रवक्ता जी मधुसूदन ने कहा कि मुख्यमंत्री बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। वैसे भी कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा लोकसभा चुनाव के दौरान ये दावा कर चुके हैं कि 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के 20 विधायक पाला बदल लेंगे। जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन से नाराज विधायकों की मदद से हम फिर से सत्ता हासिल करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से राज्य में गठबंधन सरकार चलाई जा रही है उससे विधायक खुश नहीं है। अभी हमारे पास 104 विधायक हैं और 2 विधानसभा उपचुनाव होने के बाद ये संख्या 106 हो जाएगी। आए कहा कि 20 कांग्रेस विधायक भी हमारे साथ आ जाएंगे और लोकसभा चुनाव के बाद हम सत्ता हासिल कर लेंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायक रमेश जाहर केहली ने ऐलान किया था कि वे भाजपा ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि रमेश ने भाजपा नेताओं से मुलाकात भी की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद गठबंधन सरकार गिर जाएगी, 4 से 5 कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद अभी तक कर्नाटक में सरकार तो गिरी नहीं है, मगर एक बार फिर से मुख्यमंत्री कुमार स्वामी को ऑपरेशन लोटस का भय जरूर सताने लग गया है। सीएम कुमार स्वामी ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।